दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा सरकार अब पूरी तरह से एक्शन मोड में है। हरियाणा सरकार अब पूरी तरह गतिशील है। हरियाणा सरकार जिसने कि 17 अक्टूबर को शपथ ली, 17 अक्टूबर को ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा के 13 मंत्रियों ने शपथ ले ली। सभी मंत्रियों को दफ्तर मिल गए थे, सभी मंत्रियों को उनके मातहत जो कर्मचारी अधिकारी होंगे वो मिल गए थे। इंतज़ार था कि मंत्रियों को पोर्टफोलियो कब मिलेंगे, और वो मंत्रियों को पोर्टफोलियो यानी कि विभाग भी मिल गए कल देर रात को, यानी कि रविवार की देर रात को। जो मंत्रियों को विभाग मिले हैं, अगर इस पर नज़र जाए तो सबसे पहले एक बड़ी बात स्पष्ट ये हो जाती है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी, जिसने हरियाणा के अंदर हैट्रिक सरकार बनाई है, हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी है, बीजेपी आला कमान हो, प्रदेश इकाई हो, मुख्यमंत्री हो, सभी का एक स्पष्ट संदेश है कि अब की बार किसी प्रकार का विवाद, किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी, किसी प्रकार की ऊहापोह वाली स्थिति मंजूर नहीं है। मंत्रियों को कौन से डिपार्टमेंट मिलेंगे, उनके पास किसके पास ज़्यादा पावर होगी, किसके पास कम पावर होगी, किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, इस पर नज़र थी बड़े लंबे समय से। खासकर जिस दिन से शपथ हुई उसी दिन से लोग पूछ रहे थे कि कैबिनेट और राज्य मंत्री तो बन गए, लेकिन डिपार्टमेंट कौन सा मिला, हर व्यक्ति जानना चाह रहा था। और वो जब कल सूची जारी हुई तो उसके बाद में जो मैं आपको बता रहा था वीडियो के शुरू में, कि एक बात तय हो गई कि बीजेपी ने संदेश दे दिया कि अब की बार किसी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। मंत्रिमंडल के अंदर जो विभाग दिए गए, अगर आप एक उस सूची पर नज़र डालें तो एक बात तो स्पष्ट है कि हरियाणा के आज तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हुए हों, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल से हुए हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से, मनोहर लाल जी जितना पावरफुल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, इतनी बड़ी पावरफुल मुख्यमंत्री कोई नहीं रहे। अगर आप नायब सिंह सैनी जी के डिपार्टमेंट्स पर नज़र डालें तो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के साथ साथ वो गृह विभाग भी संभालेंगे, गृह विभाग के साथ साथ उनके पास वित्त विभाग भी होगा, यानी कि मिनिस्टर फाइनेंस, मिनिस्टर होम। इसके साथ साथ नायब सिंह सैनी के पास, मैं आपको डिपार्टमेंट बता दूं, उनके पास जो डिपार्टमेंट रहेंगे नायब सिंह सैनी के पास में, अगर आप उस पर नज़र डालें तो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, मुख्यमंत्री के साथ साथ योजना मंत्री होंगे, प्लानिंग मिनिस्टर इनके पास है। एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होता है आबकारी व कराधान, एक्साइज एंड टैक्सेशन, ये मिनिस्ट्री भी मुख्यमंत्री जी के पास रहेगी। पिछले मनोहर लाल जी के कार्यकाल में गृह मंत्रालय को दो विभागों में बांटा गया था, सीआईडी गृह मंत्रालय से अलग की गई थी और सीआईडी रखी गई थी मुख्यमंत्री के पास, तो अब भी उन्हीं के पास रहेगी क्योंकि गृह भी उन्हीं के पास है। इसके साथ साथ जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, विधायी कार्य है, कानून मंत्रालय है, और जो बाकी मंत्रालय नहीं दिए गए। मैं आपसे चर्चा कर रहा था, अगर बात चलती है कि पावरफुल मिनिस्ट्रीज कौन सी हैं, तो फिर होम मिनिस्टर को पावरफुल मिनिस्ट्री माना जाता है, मिनिस्टर फाइनेंस को पावरफुल माना जाता है, एक्साइज एंड टैक्सेशन को कहा जाता है ये बहुत पावरफुल मंत्रालय हैं, प्लानिंग योजना, प्रदेश की कैसी योजना बनेगी, शहरी व ग्रामीण विकास, ये सब कुछ माने जाते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। मैं आपसे बात कर रहा था कंट्रोवर्सी की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, हम उनका जिक्र नहीं करेंगे, हम इंडियन नेशनल लोकदल और उससे पहले की सरकारों का जिक्र नहीं करेंगे। मैं आपसे तुलना करूंगा इस मुख्यमंत्रियों के पास जो कार्यभार रहे। मनोहर लाल पार्ट वन जब सरकार बनी 2014 में, तो गृह मंत्रालय मनोहर लाल के पास था, गृह मंत्रालय के साथ साथ सीआईडी उस समय गृह मंत्रालय के अंडर ही थी, पहले से एक हिस्सा उसी का रहा है, ये केवल 2019 में हुआ जब सीआईडी को होम मिनिस्टर से अलग किया गया। तो पहले शासनकाल में, यानी कि पहले मनोहर पार्ट वन की सरकार के अंदर, मनोहर लाल मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी थे। उस सरकार के अंदर जो फाइनेंस का काम था वो कैप्टन अभिमन्यु के पास था, और इसके साथ साथ जो दूसरा विशेष जो डिपार्टमेंट मैंने आपको बताया, एक्साइज एंड टैक्सेशन, ये भी कैप्टन अभिमन्यु के पास था, यानी कि बड़े मंत्रालय कैप्टन अभिमन्यु के पास थे। अनिल विज के पास स्वास्थ्य मंत्रालय था, अनिल विज के पास में लोकल बॉडीज मिनिस्ट्री थी, ये महत्वपूर्ण मंत्रालय अनिल विज के पास थे पार्ट वन की सरकार में। मनोहर पार्ट टू की सरकार बनी, अगर आप पार्ट वन की सरकार के अंदर देखें तो कंट्रोवर्सीज वैसे कई अलग प्रकार की थी। अनिल विज साहब के साथ कंट्रोवर्सीज हुई थी हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर के,
लेकिन जो प्रमुख थी उस पहले मनोहर पार्ट वन की सरकार के अंदर तमाम आंदोलन ये सब कुछ चलता रहा। मनोहर पार्ट टू की सरकार बनी, जो मनोहर लाल जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने 2019 में, तो उस सरकार के अंदर 2019 की सरकार के अंदर पहली सरकार में मनोहर लाल के पास गृह मंत्रालय था, दूसरी सरकार में गृह मंत्रालय दिया गया अनिल विज को। अनिल विज गृह मंत्री हुए और मनोहर लाल वित्त मंत्री का कार्यभार मनोहर लाल ने संभाला। उस सरकार के दौरान खास बात रही मनोहर पार्ट टू की सरकार के अंदर, जब मनोहर लाल दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और उनकी कैबिनेट में अनिल विज को मिल गया होम गृह मंत्रालय जैसा पावरफुल मिनिस्ट्री, तो फिर उस कार्यकाल के दौरान यानी कि पार्ट दो की सरकार में मनोहर लाल और अनिल विज के बीच लगातार कई बार 36 का आंकड़ा रहा। स्थिति ऐसी बनी कि कई बार दिल्ली दरबार को उसके अंदर हस्तक्षेप करना पड़ा, मीडिया की सुर्खियां बनते थे अनिल विज साहब के बयान। धीरे धीरे समय बीता तो फिर वो हुआ कि जब CID गुप्तचर विभाग गृह मंत्रालय से अलग किया गया और गुप्तचर विभाग को CID को रखा गया मुख्यमंत्री के पास, यानी कि गृह मंत्रालय जो एक ही डिपार्टमेंट था जिसके अंदर पुलिस और CID दोनों हुआ करते थे, CID अलग की गई और CID चली गई मनोहर लाल के पास। इसके बावजूद भी लगातार कभी ना कभी कोई ना कोई विवाद बना रहता था, लेकिन इस बार किसी प्रकार की कंट्रोवर्सीज ना हो, मैसेज ये सीधा स्पष्ट संदेश कि मुख्यमंत्री को फ्री हैंड पूरी तरह से काम करने दिया जाएगा। नायब सिंह सैनी जिनके नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा के अंदर एक करिश्माई जो फैसला आया जनता का, जिसकी उम्मीद भी नहीं थी और जिस प्रकार का स्पष्ट जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला, तो इस सब को देखते हुए, क्योंकि 10 साल का अनुभव हो गया, 10 साल हरियाणा की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बड़े पास से देख लिया, जनता का मूड भांपने में अब कोई दिक्कत होगी नहीं, इसलिए नायब सिंह सैनन को पूरी तरह से पावरफुल मिनिस्टर बना दिया गया। अब इस सरकार के अंदर आप कहें तो जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, चाहे गृह मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय, एक्साइज टैक्सेशन है, कानून मंत्रालय, इस तमाम मंत्रालय नायब सिंह सैनी संभालेंगे। मान लें कि नायब सिंह सैनी जी के पास में वर्कलोड बढ़ेगा, लेकिन ये जरूर है कि सरकार लगातार जब चलेगी तो ये संदेश जनता के बीच जाएगा कि सरकार के बीच किसी भी प्रकार का मनमुटाव या कोई कंट्रोवर्सीज नहीं है। अब अगर बात आ जाए तो फिर बात ये चलेगी कि अब सरकार में ज़्यादा ताकतवर कौन। जो मैंने आपको तीन डिपार्टमेंट बताए, खासकर दो, वित्त और गृह, इसके बाद में मैंने आपको बताया एक्साइज टैक्सेशन, ये तीन मिनिस्ट्रीज तो नायब सिंह सैनी जी के पास हैं। अब अगर बात आ जाती है कि नंबर दो पर शपथ दिलाई गई थी अनिल विज को, और अनिल विज साहब को जो डिपार्टमेंट दिया गया है वो डिपार्टमेंट पहले रहा था रंजीत सिंह चौटाला के पास और मूलचंद शर्मा के पास। परिवहन मंत्री थे मूलचंद शर्मा और इसके साथ साथ रंजीत सिंह चौटाला थे बिजली मंत्री। अब यानी कि हरियाणा का परिवहन चलाना और हरियाणा की एनर्जी चलाना ये अनिल विज के पास रहेगा। पिछली सरकारों के अंदर जब 2014 से 19 की सरकार थी तो राव नरवीर सिंह PWD मिनिस्टर थे। अब इस बार राव नरवीर सिंह को PWD मिनिस्ट्री की जगह पे नरवीर सिंह को दिया गया है उद्योग मंत्रालय, उद्योग, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, उद्योग और वाणिज्य, ये दोनों डिपार्टमेंट पहले उनके जो पुराने मित्र हैं विपुल गोयल साहब उनके पास थे 2014 से 19 की जो सरकार थी, जब 20 में मंत्री बने थे विपुल गोयल, तो उनके पास ये डिपार्टमेंट था। और बाद में पार्ट टू की सरकार के अंदर जो अंतिम 6 महीने थे उद्योग मंत्रालय का कार्यकाल मिला था मूलचंद शर्मा को, और इस समय ये जिम्मेदारी मिली है राव नरवीर सिंह को। विपुल गोयल को मिला है राजस्व रेवेन्यू डिपार्टमेंट और इसके साथ साथ ULB यूनियन लोकल बॉडी, अर्बन लोकल बॉडी, शहरी विकास, यानी कि जो तमाम नगर परिषद, नगर निगम, शहरी ढांचा, ये विपुल गोयल के पास रहेगा। और राजस्व मंत्रालय, रेवेन्यू डाले जो है राजस्व मंत्रालय है, ये विपुल गोयल संभालेंगे। बाकी जो मिनिस्ट्रीज देखी जाएं तो संतुलन इस प्रकार का किया गया है कि सरकार का कोई ऐसा संदेश ना जाए कि कंट्रोवर्सी किसी प्रकार की है। और दोस्तों वैसे भी जिस प्रकार का जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला, एक मजबूत जनादेश है, और इसके बाद जनता के बीच संदेश ये रहे कि सरकार के मुख्यमंत्री, सरकार के मंत्री सभी एक इंजन और डिब्बों की तरह अगर काम कर रहे हैं, किसी में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कहीं कोई वाद विवाद की स्थिति नहीं है, तो फिर वो सरकार बेहतर कार्य कर सकती है। और अगर मान लें तो मंत्रिमंडल के जो विभाग वितरण हुआ, भले ही इसके अंदर 4 दिन लगे, 17 तारीख को शपथ हुई थी और 20 तारीख की देर रात को मंत्रालय मिले, लेकिन ये जरूर है कि सत्ता का संतुलन जिस प्रकार से साधा गया
सत्ता का संतुलन जिस प्रकार से साधा गया और जिस प्रकार से मंत्रियों के अंदर विभागों का बंटवारा हुआ, ये प्रदेश की जनता के लिए एक बेहतरीन संदेश देने की दिशा का पहला कदम है। अब आज से जो तमाम सभी मंत्री अपने दफ्तरों के अंदर अपने कार्यभार संभाल लेंगे, उनसे जुड़ी तमाम फाइलें, तमाम कार्यक्रम जो भी होंगे, उन पर अगले क्या क्या सोच होंगी, क्या क्या योजनाएं बनेंगी, वो सब कुछ उनको मिलना शुरू होगा। और उसके बाद तय होगा सरकार का अगला रोड मैप, जो अमित शाह कह के गए थे कि 100 दिन का रोड मैप तैयार किया जाए। हालांकि नायब सिंह सैनी की सरकार अगर ये कहें तो पहले दिन से ही एक्शन मोड में दिखी है। 17 तारीख को शपथ नायब सिंह सैनी और उनके मंत्रिमंडल की, 18 तारीख को कार्यभार संभाला, दफ्तर मिल गए सभी मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को, 18 तारीख को कैबिनेट की बैठक हुई पहली, और उसके अंदर कोटे में कोटा और हरियाणा के अंदर जो किडनी पेशेंट्स हैं खासकर उनके लिए डायलिसिस की सुविधा, ये दो बड़े फैसले। 19 तारीख को जब शुरू हुआ तो 19 तारीख को फिर दे दिया गया 24,500 युवाओं को नौकरी। 20 तारीख को जब, जिस दिन कल करवा चौथ का पर्व था, उस दिन हरियाणा की तमाम जो नगर निगमों के और इनके कमिश्नर्स हैं उनको बुला लिया गया, उनके साथ बैठक हुई, इंस्ट्रक्शन उनको जारी हो गई। 21 तारीख को नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंच गए। आज वो दिल्ली में तमाम बड़े नेताओं से, मंत्रियों से मिल रहे हैं, संभवतः उनकी मुलाकात अब प्रधानमंत्री जी से भी हो। यानी कि सरकार का जो लाइन ऑफ एक्शन है बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने भी ये संदेश दे दिया कि अब की बार किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सीज सामने नहीं आने दी जाएंगी। नायब सिंह सैनी सरकार कैसा काम करेगी, 5 दिन के एक्शन से आप क्या समझ रहे हैं कि सरकार कौन सी दिशा में चलेगी, और सबसे प्रमुख बात कि क्या जिस प्रकार से मंत्रालयों का वितरण हुआ है, इसके बाद हरियाणा की जनता को सरकार का और भाजपा आलाकमान का क्या संदेश है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।